एक क्वेश्चन है, अगेन ये भी किसी ऑब्जेक्टिव बुक में आपको बहुत आराम से मिलेगा, कि आपके पास वैक्यूम में पेंडुलम के तौर पे दो बॉब्स हैं, चार बॉब्स हैं, ये चार जिसमें क्यू एंड क्यू है, और एंगल इनके बीच में, क्योंकि रिपल्शन होगी क्यू एंड क्यू, तो एंगल इनके बीच में थीटा और थीटा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसी रेस्ट पे है, और बॉब की जो डेंसिटी है वो रो है। आपने अरेंजमेंट को वाटर में डाल दिया, वाटर में थीटा एंगल चेंज नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स गिवन, थीटा एंगल चेंज नहीं हुआ, वाटर के अंदर पानी की डेंसिटी सिग्मा थी। अब चेंज क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि मीडियम में फोर्स चेंज हो जाती है, तो वैक्यूम में ज़्यादा है और मीडियम में कम होएगी, चलो कुछ तो चेंज होगा। थीटा रिमेनिंग द सेम, क्वेश्चन में गिवन होगा इसमें, तो आपको, और एक और चीज़ चेंज होगी, बॉब का वेट, क्योंकि बॉब का वेट अगर डब्ल्यू है तो यहाँ पर अपथ्रस्ट भी काम करेगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू से कम हो जाएगा। आपको पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, क्या होगा? अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इन मीडियम, और मीडियम यहाँ पर क्या है? वाटर। सिंपल, ठीक है यहाँ तक? तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि डायग्राम को देखते हुए लग नहीं रहा कि ये डेफिनेशन कैसे लगाएं, फोर्स इन वाटर, फोर्स इन वैक्यूम कैसे लगेगी। तो एक काम करते हैं, जितने भी स्ट्रिंग टाइप क्वेश्चंस थे प्लस वन में, ऐसे हम क्या करते थे, उसमें टेंशन ड्रॉ करते थे। तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, देखो स्ट्रिंग जब टेढ़ी है तो स्ट्रेट ही होगी, वो बल खाती हुई स्ट्रिंग कभी टेढ़ी नहीं हो सकती, सिंपल है ना, टाइट तो होगी। तो इसमें क्या होगी? टेंशन टी। तो अगर ये थीटा, ये थीटा ऑल्टरनेट एंगल, टेंशन के तो कॉम्पोनेंट है टी कॉस टी साइन थीटा, और वेट इसका कितना है? डब्ल्यू। इसने इसको रिपेल किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल है? एम जी। और टी साइन थीटा किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो टी कॉस थीटा डब्ल्यू वेट के इक्वल है, और टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर से, तो साइन बाई कॉस, चलो ये इसको इससे डिवाइड कर दो, टी से टी कैंसिल, तो टैन थीटा क्या आएगा? एफ ई बाई इक्वेशन। आप क्लियर यहाँ तक? अब अरेंजमेंट किस में चला गया? वाटर में। जब पानी में गया तो क्या हुआ? वाटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो गई, एफ ई की जगह एफ ई डैश हो गया, वेट चेंज हो गया, क्योंकि वेट में क्या लगा? अब थ्रस्ट, तो क्या लगा? डब्ल्यू माइनस यू, क्योंकि वेट तो नीचे था ही था, साथ में यू ऊपर की तरफ है, तो डब्ल्यू माइनस यू। तो टेंशन के तो कॉम्पोनेंट है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा किसके इक्वल है? एफ ई डैश। और टी कॉस थीटा किसके इक्वल है? डब्ल्यू डैश। तो फिर से इक्वेशन आते हैं, टी कॉस थीटा किसके इक्वल है? डब्ल्यू डैश। टी साइन थीटा किसके इक्वल है? एफ ई डैश। तो इसको इससे डिवाइड किया, फिर से टैन थीटा आ गया। अब टैन थीटा ऊपर भी आ गया था, टैन थीटा नीचे भी आ गया, एंगल रिमेनिंग द सेम, तो दोनों के राइट हैंड साइड को भी क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। राइट हैंड साइड जब इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्या चीज़ है? फोर्स इन वैक्यूम। ये क्या चीज़ है? फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम को क्या बोलते हैं? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इसके इक्वल आ गया। आज के बाद ये सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, या वेट इन वैक्यूम, वेट इन मीडियम, बात ही खत्म। तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो वेट इन मीडियम क्या बनेगा? डब्ल्यू माइनस अब थ्रस्ट। अब वेट बॉडी का होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। वेट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। और अब थ्रस्ट में हमेशा लिक्विड की डेंसिटी यूज करते हैं, तो वेट में बॉडी की डेंसिटी, अब थ्रस्ट में लिक्विड की डेंसिटी, वी जी वी जी वी जी कैंसल आंसर। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा ये, ऑप्शन मार्क करना है। तो अगर आपको याद रह गया तो यहाँ से सीधा स्ट्रेट अवे एक मिनट पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कैसे सोचना आपने इसमें, ठीक? तो इन टाइप के क्वेश्चंस के बेस पे आज मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उसमें डाउट्स भी आ सकते हैं। तो मैं अगली बार डाउट्स दूंगा, तो आप वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आना, फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो जो मैं काम करवा रहा हूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगा, ठीक है? आपने वहाँ प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पर सिर्फ सीख लो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आपको कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये तो कर लिया, दो लेक्चर से करके आ रहे थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किताब कोई भी उठाओगे वो यहाँ से स्टार्ट करती है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करती है। हम क्या करते हैं? हम पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज है सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ चार्जेस, तो वह एन नंबर ऑफ चार्जेस उस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, वो जो नेट फोर्स होगी उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। तो इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एग्जर्टेड बाय गिवन चार्ज बाय ऑल द चार्जेस। जैसे एक चार्ज है क्यू नॉट, इट इज सराउंडेड बाय क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर अप टू क्यू एन। तो क्यू वन ने क्यू नॉट पे फोर्स लगाई एफ जीरो वन, क्यू टू ने क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाई एफ जीरो टू, क्यू थ्री ने क्यू नॉट पे फोर्स लगाई एफ जीरो थ्री एंड सो ऑन। नेट फोर्स जो क्यू नॉट पे लगी वो क्या लगी, एफ जीरो वन वैक्टर एफ जीरो टू वैक्टर अप टू एफ जीरो एन वैक्टर। ये सुपर पोजिशन है। अब जीरो वन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वैक्टर है तो डायरेक्शन मैंशन करनी पड़ेगी। तो जीरो वन का मतलब क्यू नॉट क्यू वन की फोर्स वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू वन बाय आर जीरो वन का स्क्वायर। मान लेते हैं कि वन और इसके बीच में डिस्टेंस जीरो वन है, और यूनिट वेक्टर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम भी जीरो वन कैप है। तो बहुत सिंपल है, अगर ये जीरो वन है तो ये भी जीरो वन है, ये भी जीरो वन है, ये भी जीरो वन है। अगर ये जीरो टू है तो ये भी जीरो टू है, ये भी जीरो टू है, ये भी जीरो टू है, और ये जीरो एन है जीरो एन है। कॉमन निकलेगा इसमें से ये सारा, तो कॉमन निकल आया। और एंड में समेशन कैसे लगेगा, Q1, Q2, Q3, Qn, Qi, क्योंकि 1 से लेके n तक, R01, R02, R03, R0i, R01 square, R02 square, R03 square, R0 जीरो वन स्क्वायर आर जीरो टू स्क्वायर आर जीरो थ्री स्क्वायर आर जीरो आई स्क्वायर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन। तो बुक्स ऐसे समझाती हैं सुपर पोजिशन, हालांकि लिखने को आता नहीं है, बट हाँ सुपर पोजिशन है क्या, अब आपको न्यूमेरिकली एक चीज़ पता है कि कैसे वेक्टर सम लगा के हम सुपर पोजिशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, पर वो करने के बाद ये थ्योरी भी क्लियर है मेरे ख्याल से, कि ये बहुत सारे चार्जेस लिए Q1, Q2, Q3 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, Q1 ने Q0 पे, Q2 ने Q0 पे, Q3 ने Q0 पे, और ये सब पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R0 वेक्टर, R3 वेक्टर, जैसे एक डायग्राम है। ठीक है यहाँ तक।